महामारी के दौरान चलाई गई मुफ्त राशन योजना पर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार, हमेशा से ही अपनी पीठ थपथपाती आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली में केंद्र सरकार के मुफ्त राशन वाली योजना को बंद करने का ऐलान करते ही राजनीति तेज हो गई है, जिसके बाद इस योजना को दिल्ली सरकार ने महंगाई और गरीबी का हवाला देते हुए अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और केंद्र सरकार को भी इस योजना को बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिख अपील की है। पर क्या वाकई सभी गरीबों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? आज हम आपको दिल्ली में मिल रहे इस मुफ्त राशन योजना की असल सच्चाई से रूबरू कराते हैं, सुनिए। हसन अली, ये बताइए कि सरकार की तरफ से पूरा कोविड पीरियड चल रहा है और ऐसे में क्या आपको मुफ्त राशन मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। राशन कार्ड राशन बिल्कुल नहीं मिला जो सरकार की तरफ से लागू। अब ये तो हमें भी नहीं पता है क्यों नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं है जी, 2 साल हो गए अप्लाई किए हुए राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड भी नहीं बना, ये है। हाँ, 2 साल हो गया, 2 साल से ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ। जब भी जाता हूँ चेक करने के लिए तो पेंडिंग में होता है ये। कैसे कोरोना में आपने खाने पीने का व्यवस्था किया? खाने का व्यवस्था, जैसे लोग, मैंने कर्जा वर्जा ले लेके अपना काम चलाया हूँ, जैसे भी बच्चों को पाला हूँ, फिर थोड़ा लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो दुकान वकान खोला हूँ, तो जाके कुछ कवरिंग हुआ है हमारा पेट ओट का। आसपास स्कूल में भी राशन नहीं मिला है? नहीं जी, हमें एक बार भी मुफ्त राशन नहीं मिला। हमारा राशन कार्ड कैंसिल हुआ है 2013 से। हाँ जी, नहीं जी, ओ नए राशन कार्ड के लिए 4-5 बार, ओ 3 बार अप्लाई भी कर चुके हैं, पर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। जब भी जाते हैं फोन नंबर 832 दिखा के वापस भेज देते हैं, बोलते भी वो राशन कार्ड बन नहीं रहे। तो राशन का लॉकडाउन में कैसे जुगाड़ किया आप? हाँ, राशन का लॉकडाउन में हमने बाजार से लेके खाया, बाजार से लेते थे। नहीं जी, स्कूलों से भी नहीं मिला। तो सुना आपने, किसी ने 2 साल पहले तो किसी ने 5 साल पहले राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, पर आज तक उनको राशन कार्ड नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें मुफ्त में तो छोड़िए पैसे वाला पीडीएस अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं जब इस मुद्दे को समझने के लिए हमने दिल्ली राशन संघ डीलर्स के अध्यक्ष शिव कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से जो राशन डीलर के पास आता है, वो राशन डीलर्स ऐसे लोगों को देते हैं जिनके पास राशन कार्ड होता है, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता उन्हें मजबूरन वापस भेजना पड़ता है। देखिए, अभी तक राशन की दुकान से सिर्फ राशन कार्ड वालों को ही राशन देने का प्रावधान है। बिना राशन कार्ड के यहाँ दिल्ली में ऐसा प्रावधान नहीं है, जिसमें कि पीछे सरकार ने जो जुलाई में घोषणा की थी वो स्कूलों से राशन बटा था जिनको बिना राशन कार्ड के राशन देना था। और एक बार हमारी बैठक भी हुई थी माननीय कमिश्नर ऑफिस में, ऐसा हमें पता लगा था कि ये अब स्कूलों के बजाय राशन की दुकान से मिलना शुरू होगा, लेकिन उस दौरान ना तो राशन की दुकानों से राशन मिला और ना ही स्कूलों से राशन मिला। जबकि अच्छा यही रहता कि जो राशन कार्ड वाले जैसे राशन की दुकान से राशन लेते हैं, तो बिना राशन कार्ड वालों को भी अगर राशन की दुकान से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, बाहर के जो लोग आते हैं प्रदेशों के, वो अपना आधार कार्ड दिखा करके, उनका गाँव में राशन कार्ड है तो वो ले सकते हैं। ऐसे ही जब दूसरे लोगों को पता लगता कि आधार पर कार्ड पर राशन मिल रहा है, तो वो लोग भी आते हैं जिनका कहीं राशन कार्ड में नाम नहीं है, पर जब हम उनको चेक करते हैं तो उनका राशन कार्ड में नाम नहीं होता, इसलिए हम उनको राशन दे नहीं सकते। तो हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि राशन की दुकान से ही राशन का वितरण शुरू किया जाए बजाय स्कूलों के, क्योंकि तमाम लोग राशन की दुकान पर राशन का पता करने आते हैं और राशन की दुकानें खुली भी रहती है, स्कूलों का कोई पता नहीं होता कि कब स्कूलों में राशन आएगा, कब वितरण होगा और कब बंद होगा और कब शुरू होगा। बता दें कि कोरोना महामारी के समय कोरोना की मार झेल रहे गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद महंगाई और गरीबी का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद इस मुद्दे ने दिल्ली में सियासी तूल पकड़ लिया। दिल्ली में कभी मुफ्त राशन को लेकर तो कभी डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर केंद्र और दिल्ली में तनातनी रहती है, लेकिन जमीन पर योजना का क्या हाल है इससे सरकारों को दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।